ये शो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरे डूडू के पैर में ये शो से दिखेंगे, बहुत अच्छे से शूट करेंगे। मैं ये शो अपने डूडू के लिए ऑर्डर करूंगी। बुबू, तुमने मुझे कुछ दिन पहले ही ना बताया कि तुम फालतू के खर्च नहीं करोगे, फिर तुम अपने लिए शो ऑर्डर कर रही हो। यू बैट बुबू मोटकी भैंस। अरे अरे दूदू, तुम कुछ भी बिना जाने बिना समझे बिना कुछ सोचे मुझे ये क्या बोल रहे हो? मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं तुझसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझे हर बात पे मैं माफ कर देता हूँ। लेकिन ये तो नहीं, तू हर बार गलती की जाएगी और मैं तुझे माफ कर दूंगा। इतना सारा शॉपिंग करती है मोटकी भैंस, तू तो पैसे कमाते नहीं है। मैं कमाता हूँ, जा तू यहाँ से, पहले पैसे खुद कमा फिर शॉपिंग कर मोटकी भैंस करेगी। अरे दूदू, मैंने तो शूज। चुप हो जा मोटकी, मैं तेरे मुंह से कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। यही लास्ट है, इसके बाद अगर तू कोई भी शॉपिंग की ना तो मैं तुझे मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सुनता नहीं कुछ। मैंने तो दूदू के लिए शो ऑर्डर किया हूँ, लेकिन दूदू ने तो कोई भी बात नहीं सुना मेरी। मोटकी कहती हमेशा मेरे ही खाना खाती रहती है और मेरे पैसों से ही ऐशो आराम करती है। शॉपिंग करती रहती है हमेशा, पैसे उड़ाती रहती है। कुछ दिन पहले ही बताया मैं पैसे नहीं खर्च करूंगी, डूडू प्रॉमिस। और अभी अभी शॉपिंग कर रही थी, मोटकी कभी नहीं सुधरेगी। दिन ब दिन इस मोटकी भैंस तो बहुत ही ज्यादा शैतान हो जा रही है। मैं इसके साथ अब कैसे रहूंगा पूरी जिंदगी? मैं क्यों इस मोटकी भैंस से शादी किया? मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। भगवान, तुम इतना ज्यादा क्यों निष्ठुर हो? तुमने मेरे गले में ऐसे मोटकी भैंस को क्यों फंसा दिया? जो भी है, सब कुछ मेरा ही गलती है। मैंने ही इस मोटकी बुबू से प्यार किया और इससे शादी किया। इसके लिए मेरा पूरा जिंदगी झंड हो गया है। इस मोटकी को अब मैं अपने गले से कैसे निकालूंगा? डूडू, डूडू काम डाउन, डूडू काम डाउन। मोटकी भैंस भूत की आलू की बस्ता बुबू के लिए तू अपनी ब्लड प्रेशर को हाई मत कर, वरना तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। और अगर तेरा तबीयत खराब हो जाएगा तब मोटकी भैंस तो तेरा सेवा नहीं करेगा ना, क्योंकि मोटकी तो एक नंबर की सेल्फिश लड़की है। तू अब शांत हो जा डूडू। बुबू के ऊपर गुस्सा करके मुझे अब बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। एक दो बातें क्या सुनाया मैं, मोटकी चली रोने। मगरमच्छ की आंसू रोती है मोटकी भैंस। ए, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे मारा ही क्या? और तेरे आंसू ये देख के मेरा पेट भर जाएगा क्या? जा जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। डूडू, तुम ना मुझे बोलते थे कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आज मैंने बस एक चीज ऑर्डर किया ऑनलाइन से तो तुमने मुझे इतना बातें सुना रहे हो। डूडू, क्यों नहीं सुनाऊंगी? ये क्यों नहीं सुनाऊंगी? तू फालतू के खर्च करती जाएगी और मैं तुझे बातें नहीं सुनाऊंगा। जा जल्दी से मुझे खाना दे जा। डूडू, तुम प्लीज ऐसे मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारे इस तरीके के बिहेवियर से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रही है। डूडू, प्लीज ऐसे मुझसे बात मत करो, मैंने कोई भी गलती नहीं किया हूँ, तुम मेरी बात एक बार सुन तो लो। तेरी इस मगरमच्छ की आंसू से और तेरे बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा। जा जाकर मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर और जा।
तू चली जा यहाँ से और मुझे खाना लेकर दे जा। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खाना दे रही हूँ। क्या आपको किसी ने ऐसे डांट लगाया है? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगी। मुझे तो डूडू ने बहुत डांटा। आज मुझे चिकन का लेग पीस मिला है, वरना हमेशा तो मोटी ही लेग पीस चूसती है। मुझे कोई भी लेग पीस नहीं मिलता है। आज उसे मैं अच्छे तरीके से बातें सुनाया हूँ, ताना मारा हूँ, इसके वजह से ही मुझे इतना बड़ा लेग पीस मिला है। आज से मैं तुझसे रोज इस तरीके से घटिया बिहेव करूँगा, तब मुझे अच्छा अच्छे खाने के लिए भी मिलेगा और तू बिल्कुल सीधा हो जाएगी मोटी भैंस गई की। After 5 days, जाकर आप बाय कर सकते हैं। जल्दी से ऑर्डर करिए, लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं आप। ऑफर अभी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? मैंने चप्पली डूडू के लिए खरीद लिया, आप भी खरीद सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन चेक करिए।